हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दूध के बने हुए मोदक और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे जो आपके मुंह में एक ही बारी में घुल जाएंगे। और जो इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे वो सारे हमें घर पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक बड़ी कढ़ाई ली है। अब इसमें मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, यानी कि 500 ml की मैंने 2 थैली इसमें खोल के डाल दी है। तो अब हम इस दूध को हाई फ्लेम पर उबाल लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें बढ़िया से उबाल आ गया है। और अब मैंने यहाँ पर एक करछी ली हुई है, उससे लगातार मैं इसे चला ले रही हूँ ताकि जो भी मलाई इसमें बनेगी वो इसी में घुलती चली जाए। अब हमें इस दूध को इतना काढ़ लेना है कि जब तक ये इसका तीसरा हिस्सा नहीं हो जाता, तो इसलिए इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे काढ़ लेना है। और फ्लेम को आपने यहाँ पर मीडियम हाई रखना है। अब मैं एक कटोरी में 2 टेबलस्पून ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और इस पर थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसका एक घोल बना लेंगे। इस घोल से दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, मैं इसलिए इस घोल का यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना दूध ऐसे भी गाढ़ा हो जाएगा लेकिन उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देखिए, अब इस घोल को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको साथ के साथ चलाते रहेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गांठें ना पड़े। जब दूध अपनी क्वांटिटी से आधा हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे ये फ्रेश मलाई, ये 2 बड़े चम्मच के करीब है, तो इसे भी हम फटाफट से इसी में डिसॉल्व कर देते हैं। ये दूध के बिल्कुल आधा होने पर आपको डालना है। मलाई डालने से इसका टेस्ट तो अच्छा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये अच्छे से और गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें ना ही हमें किसी तरह के घी डालने की ज़रूरत है, और ना ही कोई मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत है, और ना ही कोई अदर इन्ग्रीडियंट डालने की ज़रूरत है। ये देखिए, अब ये कितना क्रीमी सा हो गया है। तो जब इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए तो तब हम इसमें डाल देंगे चीनी। यहाँ पर आप शुगर पिसी हुई भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर चीनी जो है दानों वाली डाली है। और यहाँ मैंने ये चीनी 1/4 कप डाली है, यानी 1 कप का 1/4 हिस्सा डाला है। इतनी चीनी इसके लिए काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, इसने मावा का टेक्सचर ले लिया है और इसने अच्छे से घी भी छोड़ दिया है। तो बस इससे ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक मेवा ठंडा हो रहा है तो हम उसके लिए तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन में 1/2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है। अब इस घी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच खसखस। अब इसको हम कुछ सेकंड चलाएंगे, यानी कि हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और गैस का फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है। और अब यहाँ पर मैंने ग्रेट किया हुआ खोपा डाल दिया है, थोड़े से कटे हुए काजू, थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़ी सी कटी हुई किशमिश। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई चीनी डाली है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए लो फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे आपको रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब इसे हम गैस पे से उतार लेते हैं और इसे भी हम ठंडा होने देते हैं। तो अब ये मावा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे एक बड़ी थाली में निकाल ले रही हूँ। सारा मावा हम इसमें निकाल लेंगे और अब हाथों की मदद से इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, मावा और स्टफिंग दोनों चीज़ें बनके तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम मोदक को शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने मोदक का सांचा यूज़ कर रही हूँ। ये सांचा मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है और ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मावा लेके इस तरह से चारों तरफ अच्छे से प्रेस कर दिया है। और अब इसके बीच में मैं इस तरह से थोड़ी सी स्टफिंग भर दूँगी। और अब फिर से मैंने थोड़ा सा मावा लिया है और इसे भी हम अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा हुआ है उसे निकाल देंगे। अब इसे हम एक बराबर कर लेते हैं। तो ये सेट हो चुका है एक, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत आसानी से निकल गया है और हमें सांचे में किसी भी तरह की घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ऐसे ही खोए से बने हुए फ्राइड मोदक भी बनाए हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये देखिए, दूसरा बनके भी तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे।
तो ये देखिए सारे मोदक बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इसके ऊपर बस केसर के धागे लगाए हैं और थोड़ा सा इसमें पिस्ता काट के डाल दिया है। तो इसी के साथ ये रेसिपी तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। मैं मिलती हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो में।